हेलो दोस्तों, सनम बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये मेरे पास कॉटन का कपड़ा है और 2.25 मीटर कपड़ा है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को ऐसे खोल लेंगे और ये कपड़े की देखो इस साइड लंबाई है और इस साइड चौड़ाई है, तो चौड़ाई की साइड हम कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे, दोनों किनारी को आपस में ऐसे मिला लेंगे और कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को देखो हमने फोल्ड कर लिया है और कपड़े को उल्टा करके रखा है, उल्टा साइड अंदर की तरफ, उल्टा साइड बाहर की तरफ। यहां से हम एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये छोटा बड़ा कपड़ा है, इसको हम कट कर लेंगे। पहले देखो इसका मेजरमेंट समझेंगे। कमर है 34, हिप है 36, थाई है 25, लंबाई रखेंगे 38, मोरी 13 इंच तैयार रखेंगे। इसी मेजरमेंट पर कट करेंगे। देखो पहले इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, तो हम इसमें जो लास्टिक अटैच करेंगे वो 1.5 इंच का लास्टिक अटैच करेंगे। तो यहां से देखो इसको हम 1 इंच ऊपर रखेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ कर लेंगे ऐसे, और ये जो हमारा 1/2 इंच बचता है वो यहाँ की सिलाई मार्जिन के लिए रह जाएगा। तब आपके पास 1.5 इंच की इलास्टिक हो तो इंच टेप को आप 1 इंच ऊपर की तरफ ऐसे रख के कट करना है। अगर आपके पास इलास्टिक ओनली 1 इंच का है तो 1/2 इंच ऊपर उठा के इसको ऐसे कट करना है, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड हो जाएगा और 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा रहेगा उससे हमारी लंबाई कम्प्लीट हो जाएगी। तो ऐसे 1 इंच ऊपर रखेंगे इसको और इसकी लंबाई का निशान लगा देंगे। लंबाई है 38, तो 38 पे सीधा निशान लगा लेंगे। मोहरी फोल्ड के लिए 2.5 हम एक्स्ट्रा लेंगे। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और यहां से देखो एक सीधा निशान लगाएंगे, इसके आसन का निशान लगाएंगे। तो उसी तरह देखो हम 1 इंच इसको ऊपर की तरफ ही निकाल देंगे, आसन रखेंगे 10.5 पे। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा आसन का निशान हो गया। अभी देखो थाई है इनकी 25, तो 25 का हम 1/2 करके रख देंगे, 12.5 रख देंगे। इनका ये जो 1/2 है इसका ऐसे निशान लगा देंगे और फिर इसका भी हम 1/2 कर लेंगे। इससे हमारी पैंट का बीच सेंटर निकल आता है। यहाँ से इसको किनारी तक नापेंगे, निशान तक नहीं नापेंगे। ये हमारा है 7 इंच में 2 पॉइंट कम, तो सेम निशान इधर भी लगा देंगे और इस निशान को हम नीचे तक लगाएंगे। और सभी निशानों को आपस में ऐसे मिला लेंगे। इनकी जो मोरी हम रखेंगे वो 13 इंच तैयार रखेंगे, तो 13 का 1/2 कितना होगा ऐसे देखना है। इसका जो 1/2 निकलेगा 6.5, तो 6.5 का 1/2 इधर लेना है और 1/2 इधर लेना है। यहाँ पे हम 3 इंच 2 पॉइंट पे इधर निशान लगा देंगे, 3 इंच 2 पॉइंट पे इधर निशान लगाएंगे, तो टोटल कितना हो गया हमारा ये 6.5। सेम निशान हम इधर भी लगा लेंगे, स्केल लेंगे, इसको हम इस निशान से ऐसे मिला लेंगे और स्केल को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और इधर भी एक निशान लगा देंगे। इस निशान को बिल्कुल हम ऐसे सीधा करके रखेंगे। नीचे के निशान कंप्लीट हो गए। कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 34, तो 34 का जो 4th पार्ट हम निकालेंगे वो आएगा 8.5, इसमें हम 2.5 ऐड कर देंगे। इस निशान को हम ऐसे सीधा मिला लेंगे और इधर गोलाई की शेप दे देंगे।
ये जो हम शेप डालेंगे ये बिल्कुल गहरी नहीं डालनी है, इसको थोड़ा सा शेप में ही डालना है। और यहाँ से हम 3.5 पे एक निशान लगाएंगे और हाफ इंच थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाफ इंच ही बढ़ाएंगे। ये देखो हमने यहाँ से 2.5 एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि हाफ इंच हमारा इधर जो आसन सिलेंगे उसमें चला जाएगा और हाफ इंच जब यहाँ से ज्वाइंट करेंगे तो उसमें जाएगा। और जो बाकी हमारा 1.5 बचेगा उसके हम यहाँ पे पौना इंच इधर करके टोटल 1.5 के टक्स डाल देंगे, क्योंकि इसके सामने में हम बेल्ट लगाएंगे, पीछे में इलास्टिक अटैच करेंगे। ये हमारा टक्स के लिए हो गया, तो सामने के निशान कंप्लीट हो गए। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये सामने का पार्ट कट हो गया और सामने के पार्ट में देखो हम कोई भी सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा हम लेते हैं वो बैक पार्ट में लेते हैं। तो इसका जो हम एक्स्ट्रा लेंगे वो पीछे वाले पार्ट में लेंगे। ये पीछे के हिस्से के लिए भी देखो हमने कपड़े को सेम तरीके से फोल्ड किया है जैसे सामने वाले हिस्से को फोल्ड किया था, उसी तरीके से। अब इसको हम इसके ऊपर में ऐसे रख लेंगे, इस निशान को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, ये वाले निशान को भी। यहाँ से देखो इसको हम बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से हम लेंगे 1.5 और इधर गोलाई की शेप दे देंगे। बैक पार्ट को हम 2.5 इंच उठा के कट करेंगे और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से हम 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो हमने सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन सामने वाले पार्ट में नहीं लिया था तो उसको हम बैक पार्ट में ही लेंगे। और यहाँ पे भी देखो सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इस निशान को आपस में ऐसे मिला लेंगे। अब इसको हम कट करेंगे तो हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे। ये निशान कंप्लीट हो गए, अब इसको हम कट कर देंगे। ये एक साइड कटिंग हो गया, अब इस साइड भी कट कर लेंगे। ये देखो हमारा कपड़ा बच गया है, इसमें हमारी पैंट की और भी लंबाई बढ़ सकती थी, तो हमने ये 38 की बनाई तो ये 40 तक भी इस 2 मीटर कपड़े में आराम से बन जाती है। कट कर देंगे, आगे पीछे के पार्ट कट हो गए। अब इसके हम बेल्ट कट करेंगे और पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट की जो हम लंबाई रखेंगे वो 12 इंच रखेंगे और यहाँ से हम रखेंगे 6.5, यहाँ से भी इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम एक निशान 2 इंच पे लगाएंगे, एक निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई की शेप दे देंगे। इधर कट लगा लेंगे, ये पॉकेट कट हो गई। अब इसकी बेल्ट कट करेंगे। अभी देखो बेल्ट हमें कितनी कट करनी है, ये पीछे वाले हिस्से से नापेंगे। ये 13.5 है तो इसका हम डबल कर देंगे, हमारा आया 27, तो 27 इंच की लंबी हम बेल्ट कट करेंगे। तो देखो हमारी तैयार है 27, लेकिन हम इसमें 2 से 2.5 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें हम चेन भी अटैच करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बेल्ट की ज़रूरत होती है। तो हम 30 पे रख लेते हैं इसको।
और इसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे 4.5 इंच ही रखेंगे, क्योंकि 1.5 इंच का हम लास्टिक अटैच करेंगे। निशानों का ऐसे सीधा कर लेंगे। कपड़ा तो हमारा डबल है, आगे और पीछे की दोनों बेल्ट कट हो जाएगी। सेंटर से अलग कर लेंगे। ये हमारी आगे पीछे की बेल्ट भी कट हो गई, ये पॉकेट। तो दोस्तों, हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और जरूरतमंदों को शेयर भी करना।